और चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, आज हरिद्वार में कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, सहकारिता विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे, राज्य की समस्त सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण होगा, अमित शाह के कार्यक्रम में सीएम धामी और कई मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। तो उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, विभिन्न योजनाओं की यहां पर सौगात देंगे, योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, सहकारिता विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की यहां पर सौगात देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में सीएम धामी और साथ ही साथ कई मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं, साथ ही साथ राज्य की समस्त सहकारी समितियों का आज डिजिटलाइजेशन भी होने वाला है। तो ऐसे में बड़ी सौगात हरिद्वार को मिलने वाली है, कई योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ होगा। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर दौरे पर पहुंचे हुए हैं, सहकारिता विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की यहाँ पर सौगात देने वाले हैं और इस पूरे कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कई और मंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं, कई योजनाओं का शुभारंभ होगा, कई योजनाओं की आज सौगात मिलने वाली है हरिद्वार। और हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर हैं, कई योजनाओं का शुभारंभ होगा, कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाले? कारिता और गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं और 11:30 बजे आज गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचेंगे और तमाम हरिद्वार में जिस तरीके के उनके कार्यक्रम हैं, चाहे ऋषिकुल मैदान में उनका जो सहकारिता विभाग का कार्यक्रम हो या फिर गुरुकुल कांगड़ी के 131वें जो दीक्षांत समारोह है उसमें वो शिरकत करेंगे। 11:30 बजे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचेंगे और गुरुकुल कांगड़ी के दीक्षांत समारोह में वो हिस्सा लेंगे। इस जो मेरे पीछे ये पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं, ऋषिकुल मैदान है जहाँ पर सहकारिता विभाग का बड़ा कार्यक्रम आज होगा और प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का जो कंप्यूटरीकरण का काम सफलतापूर्वक हुआ है उसका शुभारंभ अमित शाह करेंगे। ऋषिकुल मैदान में तमाम जितने भी सहकारिता विभाग के अलग अलग जो लाभार्थी यहाँ होंगे उनको भी आज चेक वितरण किया जाएगा। पूरा तैयारी आप देख पा रहे हैं कि ये ऋषिकुल मैदान है जहाँ पर कार्यक्रम के को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है और आप देख पा रहे हैं कि ऋषिकुल मैदान से ही ऑनलाइन इस योजना का शुभारंभ अमित शाह करेंगे और प्रदेश भर के जो किसान हैं को समितियों के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 95 एमपैक्स को जन सुविधा केंद्र एवं जन औषधि केंद्रों की स्थापना का शुभारंभ भी आज मुख्य अतिथि अमित शाह के कर कमलों के माध्यम से होगा। कार्यक्रम में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और प्रगतिशील किसानों को भी आज अमित शाह सम्मानित करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट है, करीब यहाँ पर हजारों लोगों को मतलब बैठने की इंतजाम किए गए हैं और पूरी तरह से अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से इस पूरे प्रांगण में जो कार्यक्रम की तैयारियां है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो पूरे प्रदेश भर की 670 बहुउद्देशीय समितियां हैं उनका शुभारंभ आज ऑनलाइन अमित शाह पर करेंगे। और इसके अलावा गुरुकुल कांगड़ी का आज 131वां दीक्षांत समारोह है उसमें वो 11:30 बजे शिरकत करेंगे और फिर उसके बाद में जो सहकारिता विभाग का ये बड़ा कार्यक्रम आज हरिद्वार में होना है उसमें केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करेंगे। तो शहर भर के तमाम रूट डाइवर्ट किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम यहाँ पर हरिद्वार जिला प्रशासन जिला पुलिस के माध्यम से किए गए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट से होते हुए अमित शाह हरिद्वार तो यानी कि कई कार्यक्रम होने वाले हैं, कई सौगातें आज अमित शाह देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली, 1 अप्रैल से बढ़ सकते हैं विद्युत दर। आपको बता दें आज विद्युत नियामक आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आयोग आज फैसला सुनाएगा। 9% तक बिजली महंगी होने की यहाँ पर चांसेस बताए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से ये सभी विद्युत दर बढ़ जाएंगे, महंगी हो सकती है बिजली उत्तराखंड में। आज विद्युत नियामक आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, साथ ही साथ वो बताएगा
बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आयोग आज फैसला सुनाने वाला है। आपको बता दें कि 9% तक बिजली महंगी हो सकती है। तो जहां एक ओर उत्तराखंड पहले ही दरारों की मार झेल रहा है, ऊपर से बारिश की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ था, उसके बाद अब 9% तक बिजली भी महंगी हो सकती है। और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी बसपा में शामिल हो गई हैं। रुड़की में हुई बसपा के कार्यक्रम के दौरान उमेश की पत्नी सोनिया शर्मा ने बसपा की सदस्यता ली और बसपा प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष ने सोनिया शर्मा को बसपा की सदस्यता दिलाई। और चर्चा है कि सोनिया शर्मा को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा कई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकता है। रुड़की में बसपा के कार्यक्रम के दौरान उमेश की पत्नी सोनिया शर्मा ने बसपा की सदस्यता ली है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दृष्टिबाधित बच्चों की संस्था नैप में पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अष्टमी के मौके पर दृष्टिबाधित कन्याओं का पूजन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए सरकार पूरा फोकस में है। तो देखिए, दो तस्वीरें आप देख रही हैं। सीएम धामी ने कन्या पूजन किया था, साथ ही साथ सीएम धामी का दौरा यहां पर लगातार जारी है। आईएएस बीटी को बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और चूंकि माननीय न्यायालय में वो मामला जैसे ही सॉर्ट आउट होगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अभी हमने पार्किंग भी बनाएंगे और यहाँ का जो 2200 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के शहर को अच्छा शहर बनाने के लिए स्वीकृत किया हुआ है, उसका काम तेजी से चल रहा है। और उत्तराखंड में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर ही कोरोना के 9 मामले सामने आए, जबकि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है। और अभी कुछ समय पहले तक उत्तराखंड कोरोना फ्री स्टेट हो गया था, मगर उत्तराखंड में फिर से कोरोना के केस बढ़ने से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि देहरादून में कोरोना के 19 एक्टिव मरीज हैं, जबकि हरिद्वार में 6, नैनीताल में 2, पौड़ी में 1 और उत्तरकाशी के 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो जोशीमठ के मोल्टा गांव में आजादी के बाद पहली बार बस पहुंची है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मिठाई बांटी। अब ये बस ट्रायल के तौर पर जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सलूट से मोल्टा करीब 14 किलोमीटर सड़क 2018 में स्वीकृत हुई थी और अभी पहले चरण में सड़क का कटिंग का काम चल रहा है। करेंगे देवभूमि की 10 बड़ी खबरों का। रामनगर में सीएम धामी ने 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। सीएम ने G20 की बैठक को ऐतिहासिक बताया। बैठक के दूसरे दिन 4 विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मसूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत पर जांच शुरू। शहरी विकास विभाग के अपर निदेशक जांच में जुटे। मसूरी नगर पालिका में ई टेंडर में घोटाले का आरोप लगा। प्रदेश की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने धामी सरकार से 10 अप्रैल तक जवाब मांगा। 13 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे संक्रमक मोहन भागवत। चतुर्वेद नारायण यज्ञ में आहुति दी। आज पतंजलि योगपीठ की ओर से नव सन्यासियों के सन्यास दीक्षा में शामिल हो। रुद्रपुर के किच्छा क्षेत्र से कुमाऊं एसटीएफ ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चारों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। यमुनोत्री और गंगोत्री आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। चिन्याली सौड़ बैरियाल से साइन बोर्ड पर हर राज्य की भाषाओं में अंकित किया जाएगा। पिथौरागढ़ में पहली बार महिलाओं सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करेंगी और इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। समूह से जुड़ी हैं 20 से 25 महिलाएं। हरिद्वार में पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने आरोपियों की 72,60,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति पर आरटीआई से खुलासा किया। 2 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हुई। बचाव में बोले मेयर, ये संपत्तियां मेरी मेहनत की हैं। मार्केट वैल्यू बढ़ने से संपत्ति बढ़ी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।